नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल चैनल पे। यहाँ पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन के इकोनॉमिक्स इन पावर जनरेशन से एक नए टॉपिक को लिया है, जो कि है इंटीग्रेटेड लोड ड्यूरेशन कर्व। तो हम लोग इस टॉपिक पर समझेंगे कि इंटीग्रेटेड लोड ड्यूरेशन क्या होता है और इसको इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन पे या इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन पे क्यों पढ़ा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को, जो कि है इंटीग्रेटेड लोड ड्यूरेशन कर्व। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो हम लोग इस टॉपिक पर देखेंगे कि किसी भी इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट या डिमांड को फिलफिल करने के लिए किस प्रकार से इंटीग्रेटेड लोड ड्यूरेशन कर्व को बनाया जाता है। और हम लोग इस टॉपिक पर देखेंगे कि अगर हम लोगों को किसी पावर प्लांट या किसी लोड के डिमांड को फुलफिल करने के लिए इंटीग्रेटेड लोड ड्यूरेशन कर्व दिया हुआ हो, तो हम लोग उस कर्व को एनालिसिस करके कौन कौन सी बातों का पता कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को, जो कि है इंटीग्रेटेड लोड ड्यूरेशन कर्व। इंटीग्रेटेड लोड ड्यूरेशन कर्व ड्रॉ करने के लिए हम लोगों को दो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का रिक्वायरमेंट होता है, जिनमें से पहला क्वांटिटी है इलेक्ट्रिकल लोड। और यह जो इलेक्ट्रिकल लोड है वो मेगावाट में हो सकता है, किलोवाट में हो सकता है और वाट में हो सकता है। और जो दूसरा इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है वो है टाइम। अब हम लोग टाइम का यूज़ करके और लोड के हेल्प से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग आगे देखेंगे कि इंटीग्रेटेड लोड ड्यूरेशन कर्व बनाने के लिए हम लोगों को दो एक्सिस लेना होगा, जिनमें से पहला है एक्स एक्सिस और जो दूसरा है वाई एक्सिस। तो आइए आगे देखेंगे कि हम लोगों को इंटीग्रेटेड लोड ड्यूरेशन कर्व में एक्स एक्सिस में किस क्वांटिटी को लेना होगा और वाई एक्सिस में किस क्वांटिटी को लेना होगा। तो आइए ड्रॉ कर लेते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंटीग्रेटेड लोड ड्यूरेशन कर्व के लिए। इंटीग्रेटेड लोड ड्यूरेशन कर्व को ड्रॉ करते समय हम लोग वाई एक्सिस में कौन से क्वांटिटी को ले पाएंगे, इलेक्ट्रिकल लोड को लेंगे। और यह जो लोड होगा वो किस में हो सकता है, मेगावाट में हो सकता है, किलोवाट में हो सकता है या वाट में हो सकता है। और हम लोगों को एक्स एक्सिस पे लेना होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेना होगा। और यह जो एनर्जी है, इस एनर्जी को लिखेंगे हम लोग किस में लिखेंगे मेगावाट आवर में या किलोवाट आवर में या वाट आवर में। तो यहाँ पर हम लोगों ने समझा कि इंटीग्रेटेड लोड ड्यूरेशन कर्व को ड्रॉ करने के लिए वाई एक्सिस में किस क्वांटिटी को लेना होगा और एक्स एक्सिस में किस क्वांटिटी को लेना होगा। अब हम लोग आगे समझेंगे कि किसी भी इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट के लिए इंटीग्रेटेड लोड ड्यूरेशन कर्व को किस प्रकार से ड्रॉ किया जाता है। इंटीग्रेटेड लोड ड्यूरेशन ड्रॉ करते समय हम लोगों को हर एक एनर्जी के लिए लोड को कैलकुलेट करना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हर एक लोड के लिए जो टाइम के साथ लोड दिया होगा उसके हेल्प से एनर्जी को कैलकुलेट कर लेंगे। और साथ ही साथ ध्यान रखना होगा कि जो बाद का एनर्जी कैलकुलेट करेंगे इस कर्व को ड्रॉ करने के लिए, उसमें पहले वाले एनर्जी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जैसा कि हम लोग आगे आने वाले वीडियो में जब हम लोग इस टॉपिक से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का बनाएंगे, तो आप लोगों को इंटीग्रेटेड लोड ड्यूरेशन कर्व के बारे में
पूरा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग हर एक एनर्जी के लिए करेस्पॉन्डिंग लोड को इस ग्राफ में क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे और उस हर एक पॉइंट को क्या करेंगे, इस ग्राफ पर मिला लेंगे। तो जो हम लोगों को कर्व मिलेगा वो कर्व क्या कहलाएगा, इंटीग्रेटेड लोड ड्यूरेशन कर्व कहलाएगा। अब हम लोग आगे इंटीग्रेटेड लोड ड्यूरेशन कर्व में देखेंगे कि हम लोगों को अगर किसी इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट के लिए इंटीग्रेटेड लोड ड्यूरेशन कर्व या किसी लोड को फुलफिल करने के लिए इंटीग्रेटेड लोड ड्यूरेशन कर्व दिया हो, तो उस कर्व का एनालिसिस करके हम लोग कौन कौन से इन्फॉर्मेशन को ले पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि वो कौन से इन्फॉर्मेशन होंगे। तो हम लोग इंटीग्रेटेड लोड ड्यूरेशन कर्व का एनालिसिस करके क्या इन्फॉर्मेशन नोट डाउन कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ वी कैन ईजिली डिटरमाइन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द बेस लोड एंड पीक लोड। तो हम लोग जब कभी भी इंटीग्रेटेड लोड ड्यूरेशन कर्व ड्रॉ कर लेंगे तो उससे बेस लोड और पीक लोड के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट रहेगा उसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ जो कि है इंटीग्रेटेड लोड ड्यूरेशन कर्व। तो अगर आपको यह बताने का मेथड, समझाने का मेथड अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।